हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। यहाँ देखिए, मॉर्निंग में 10 बज चुके हैं, मेरा सभी काम लगभग फिनिश हो चुका है। अभी कुछ देर का काम बचा है जिसको मैं दोपहर में 12 बजे के आसपास करती हूँ। उसी टाइम पे मैं वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले टीचिंग मेथड्स के नोट्स बना रही हूँ। यहाँ पर मेरे नोट्स बन रहे हैं टीचिंग मेथडोलॉजी का। एंड आप फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा कि मैं किस तरह से रात को यानी शाम को भी अपनी रूटीन को मैनेज करते हुए अपनी स्टडी कर लेती हूँ। शायद आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिल पाए और आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएं। टीचिंग मेथडोलॉजी के नोट्स बनने के बाद मैंने यूथ कंपटीशन की बुक से निसिम एजिकल, जो मेरा इंग्लिश लिटरेचर का जो मेरा सब्जेक्ट है, उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि इस टॉपिक को मुझे किए हुए लगभग 1 मंथ हो चुका, तो मुझे इसमें थोड़ी अब दिक्कत आने लगी है, मैं चीज़ों को थोड़ा भूलने लगी हूँ। तो मैं इन सबको फटाफट से रिवाइज कर लूँगी, इन क्वेश्चंस को। अब मेरी स्टडी तब तक चलेगी जब तक कि मेरा बेटा स्कूल से नहीं आ जाता। मैंने बीच में खाना भी बनाया है और मैं नहा भी चुकी हूँ। लगभग मुझे 1 आवर का टाइम उसमें लग जाता है। अब आप लोग शाम को देखिए, ये लगभग 6 बजे का टाइम है। मैंने ट्यूशन लिया था बच्चों का, उसके बाद मैंने घर में झाड़ू लगा ली है, घर को साफ सुथरा कर लिया है, देन उसके बाद मैं अपनी किचन में चल रही हूँ। और सभी बाकी बर्तन तो मैंने दोपहर में ही साफ कर दिए थे, लेकिन चाय के बर्तन अभी रखे हुए हैं, तो मैं फटाफट से इनको साफ कर दूंगी और फटाफट से फिर खाने की तैयारियाँ भी शुरू कर दूंगी साथ साथ में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटिवेशनल पॉजिटिव स्टडी व्लॉग्स मिलते रहते हैं। आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं सीटेट एग्जाम से रिलेटेड, केवीएस एनवीएस, जिनकी मैं अभी फिलहाल तैयारी कर रही हूँ, तो आप लोग मुझसे पूछने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे उनका सॉल्यूशन पता होगा तो मैं आपको बताने की कोशिश भी जरूर करूँगी। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि आप उसको नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है और मैं सोचती हूँ कि शायद ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी होगा, क्योंकि आप लोगों की भी शादी हो चुकी है, आपके ऊपर भी शादी की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ, सारी जिम्मेदारियाँ हैं और उन सब के बीच में आपको स्टडी भी करनी है। बीच बीच में आपको कुछ लोग डिमोटिवेट भी करेंगे कि हमें कि तुम लोग स्टडी नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप लोग उन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। मैं भी उनको इग्नोर करती हूँ और यही बात अपने माइंड में रखती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी खुशी वही है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। मैं उसी काम को करके दिखाऊंगी और आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किचन क्लीन हो चुकी है एंड मैंने दूध एक पतीले में रख लिया है और उसको गर्म रखने के लिए मैंने उसको गैस के ऊपर रख दिया है। आज मैंने शाम को सब्जी नहीं बनाई है, हमारे यहाँ पर सभी को आज चटनी खानी थी तो मैंने उसी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में बिलोंग करती हूँ, तो आप लोगों को पता है कि हरियाणा में दूध दही का खाना चलता है, तो यहाँ पर शाम को सभी दूध के साथ, चटनी के साथ और रोटी के साथ खाना खा लेंगे। दूध जो होता है वो हम गाय रखते हैं, उसी का हमारे दूध होता है, तो दूध भी अच्छी क्वालिटी का होता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैं रोटियां बनाने लग गई हूँ। शाम का जो खाना होता है हम चूल्हे पर ही बनाते हैं। अब इन सब चीज़ों की मुझे आदत हो गई है और मैं ये सब इजीली हैंडल कर लेती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ। मैं आप लोगों को गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, मैं एक मीडियम फैमिली से हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे हुए हूँ। मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी 8 फैमिली मेंबर्स हैं, हमारी स्मॉल फैमिली नहीं है, और घर में एक बहू भी मैं ही हूँ, तो मुझे घर के काम भी देखने पड़ते हैं और अपनी स्टडी को भी मैनेज करना होता है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने बच्चे की भी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी डिमोटिवेट मत होइए कि हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग सोच लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस इसी सोच के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिएगा और इसी सोच के साथ मैं भी आप लोगों के साथ स्टडी कर रही हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा कि हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन जब हम में कॉन्फिडेंस होगा, हम मेहनत करेंगे, तो जरूर हमारी किस्मत पलटेगी और हम जरूर सफल भी हो पाएंगे। यहाँ पर रात को मैं कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, एमएस पावर पॉइंट, उसके बारे में मैं नोट्स बनाऊंगी। ये नोट्स मैं ऑनलाइन बना रही हूँ।
यहाँ बेटा पास में ही खेल रहा है बेड के ऊपर और हस्बैंड भी यहीं पर हैं। आप लोग बोलते होंगे आपके हस्बैंड दिखाई नहीं देते हैं, तो मेरे हस्बैंड यहीं पर होते हैं साथ में, लेकिन वो वीडियोज़ में नहीं लेती हूँ मैं उनको। हाँ, कभी कभी काम के सिलसिले में उनको 1 वीक के लिए बाहर भी जाना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा MS पावर पॉइंट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा हल्का सा रिवाइज करूँगी, देन उसके बाद मैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी। ये सब करने में मुझे लगभग 11:30 का टाइम हो गया था। जो मेरा बेटा था वो हस्बैंड के साथ सो गया था, तो मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके। एंड ऑफ फ्रेंड्स, एक बात याद रखें, योर स्पोर्ट माई पावर, योर स्पोर्ट गिव्स मी ए लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।